आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में बनी कोच। दक्षिण पूर्व अफ्रीका के देश मोजाम्बिक की रेल पटरी पर दौड़ेगी। इसके लिए कारखाना में काम शुरू हो गया है। भारत में चलने वाली रेलगाड़ी के डिब्बे की अपेक्षा ये कुछ छोटे और सकरे होगी। डिमांड और डिजाइन के मुताबिक 90 कोच के निर्माण का कार्य यहां चल रहा है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में मोजाम्बिक देश के लिए तैयार हो रही कोच विशेष और आधुनिक होगी। जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए रेलवे ने जंगल से गुजरने वाली रेलवे लाइन के किनारे लाइट की व्यवस्था की है। रोशनी के कारण रात में जंगली जानवर पटरी पर नहीं आएगी, इससे हादसे होने का भी खतरा नहीं रहेगी। हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रेनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित किए जाने को लेकर ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन हरिद्वार से देहरादून के बीच 100 किलोमीटर की गति दौड़ी गई। ट्रायल के दौरान ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए 100 किलोमीटर की रफ्तार से संचालित करने पर रेल पटरी की क्षमता आदि बारीकी से परखी गई। रेलवे अधिकारी के मुताबिक ट्रायल सफल रहा। एनएफ रेलवे के अंतर्गत न्यू बनगा से ग्वालपार टाउन होकर गुवाहाटी तक मौजूदा सिंगल लाइन के अलावा डबल लाइन का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। ये कार्य मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। उन्नाव रायबरेली और उन्नाव बालामऊ रूट पर इलेक्ट इंजन के ट्रेन जल्द दौड़ेगी। दोनों रेलमार्ग पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन का काम पूरा हो गया है। उन्नाव रायबरेली रेलमार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन चलाकर टेस्टिंग हो चुका है, जबकि उन्नाव बालामऊ रूट पर 24 या 25 फरवरी को टेस्टिंग होगी। कोरोना के चलते 10 महीने से दोनों रेलमार्ग पर ट्रेन का संचालन बंद है। भारतीय रेलवे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार और रेलवे देश की 4 विश्व धरोहर रेल लाइन का निजीकरण करने जा रही है। ये 4 रेलवे ट्रैक हिमाचल का शिमला कालका, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, तमिलनाडु का नीलगिरी और महाराष्ट्र का नेरल माथेरान है। चारों ट्रैक नैरोगेज है, जिन्हें प्राइवेट एजेंसी के हवाले करने की तैयारी है। प्राइवेट एजेंसी इन ट्रैकों का रखरखाव करने के साथ साथ मार्केटिंग का काम भी करेगी और नई ट्रेन भी चलाएगी। पर्यटन केंद्र भी विकसित किया जाएगा। एजेंसी के इस कामकाज में रेलवे का शेयर भी होगा। रेलवे ने चारों ट्रैक का अध्ययन करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देने का जिम्मा रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली जाने वाली 02309-10 राजधानी एक्सप्रेस अब स्मार्ट विंडो सिस्टम से लैस होगी। खिड़कियों में ऐसा शीशा लगाई जाएगी कि यात्री अपनी मर्जी से बाहर का नज़ारा देख सके, बाहर से अंदर दिखाई नहीं देगा। रेलवे ने शीशा लगाने की कवायद तेज कर दी है। पहले चरण में केवल एसी फर्स्ट क्लास के कोचों में शीशा लगाया जाएगा। धीरे धीरे सभी ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू होगी। गोड्डा से पोड़ीहाट के बीच बिछाई गई 18 किलोमीटर रेल लाइन का ट्रायल सोमवार 4 बजे शाम को किया गया। जिस रेल इंजन से ट्रायल किया गया था उसके इंजन में कोई रेल अधिकारी मौजूद थे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इस इंजन ने महज 7 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और ट्रायल सफल रहा। उज्जैन से फतेहाबाद के बीच
23 किलोमीटर लंबे सेक्शन में बिछाई गई बड़ी लाइन पर अब यात्री ट्रेन दौड़ने का रास्ता साफ हो गया है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने कोई तकनीकी सुधारने के निर्देश के साथ इस ट्रैक पर ट्रेन का संचालन की अनुमति दे दी है। सोमवार को इसकी सूचना पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग और रतलाम रेल डिवीजन को मिल गई है। रतलाम रेल डिवीजन के प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि अगले 8-10 दिनों में सीआरएस द्वारा बताए गए काम पूरा कर इसे यात्रियों ट्रेन के लिए खोल दिया जाएगा। रोहतक में बने देश के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण का काज काफी हद तक पूरा हो चुका है। अब अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन कराकर ट्रेन दौड़ाई जाए। तैयारी की जा रही है कि इस सप्ताह के औपचारिक तौर पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन करा दिया जाए। हालांकि इसके लिए अभी तारीख निर्धारित नहीं हुई है। नरपटियागंज से दरभंगा, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर और रक्सौल से सुगौली के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम इस वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। रेल के दोहरीकरण से ट्रेनों की लेट ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। दोहरीकरण का काम 31 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। इसके लिए भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने पहले वित्तीय वर्ष के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी 17 फरवरी को धनबाद के वार्षिक निरीक्षण पर आ रही है। उनके साथ अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेगी। धनबाद दौरे के क्रम में महाप्रबंधक स्थानीय सांसद और विधायक के साथ भी बैठक करेगी। दिल्ली से सोहना, नू, फिरोजपुर, झिरका होते हुए अलवर तक 104 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को इस बार के रेल बजट में मंजूरी मिल गई है। लंबी प्रतीक्षा के बाद मंगलवार से मुजफ्फरपुर रेलवे यार्ड के विस्तीर्ण के साथ ही आरआरआई का काम शुरू हो जाएगा। इस क्रम में जंक्शन पर 3 नई लाइन बनाई जाएगी, साथ ही 5 और 6 नंबर लाइन का विस्तार किया जाएगा। ये सभी काम 16 फरवरी से 19 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली अधिकतर ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगी। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।